करनाल के जीटी रोड पर स्थित राधा स्वामी सत्संग घर, जिसमें मौजूदा समय में 600 से अधिक प्रवासी ठहरे हुए हैं, उनके लिए करनाल प्रशासन और राधा स्वामी सत्संग घर के सेवादारों द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इनके खाने पीने से लेकर इनकी सेहत तक का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बकायदा करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव द्वारा समय समय पर यहाँ पहुंचकर प्रत्येक चीज का मुआयना किया जाता है। इतना ही नहीं, उपायुक्त द्वारा इन प्रवासियों को मिलने वाली प्रत्येक सुविधा का जायजा भी लिया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ वो प्रवासी मजदूर ठहरे हैं जो लॉकडाउन के दौरान अपने घर जाने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। इनमें से किसी का घर 100 किलोमीटर तो किसी का 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर था। यह प्रवासी पैदल ही अपने घरों की ओर चल पड़े थे। आपको बता दें कि सड़कों पर भीड़ एकत्रित ना हो और कोरोना संक्रमण की चैन ना बढ़े, इसीलिए इन प्रवासियों को यहाँ ठहराया गया है। इस सत्संग घर में इन्हें समय पर भोजन के साथ साथ मनोरंजन के लिए शाम के समय बकायदा एक टैली फिल्म भी दिखाई जाती है, ताकि इनका मन परेशान ना हो। इतना ही नहीं, हर रोज सुबह इन्हें योग भी सिखाया जाता है। योग करने से तन और मन स्वस्थ रहता है। योग सिखाने वाले योग शिक्षकों ने बताया कि प्रशासन द्वारा उन्हें इन प्रवासियों को योग सिखाने का जिम्मा दिया गया है, जिसे वह बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सत्संग घर के सेवादारों और करनाल प्रशासन द्वारा इन प्रवासियों के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा करनाल प्रशासन का यह कदम सराहनीय भी है। उन्होंने यह भी बताया कि योग करने से नई ऊर्जा का संचार होता है तथा दिमाग में तनाव भी उत्पन्न नहीं होता। उन्होंने यह भी बताया कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए योग करना अति आवश्यक है। सुनिए योग शिक्षकों ने और क्या कुछ कहा। नमस्कार, समाचार एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस समय हम खड़े हैं मदनपुर गांव के बिल्कुल सामने से राधा स्वामी सत्संग ब्यास में, जहां पर कुछ प्रवासी मजदूरों को ठहराने का प्रशासन द्वारा प्रबंध किया गया है। ये वही मजदूर हैं जो लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों को जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने बीच राह में रोककर इनके रहने और खाने पीने का प्रबंध किया था, जिनकी सेवा में राधा स्वामी डेरा ब्यास के सेवादार पिछले काफ़ी दिनों से दिन रात जुटे हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि इनके खाने पीने की व्यवस्था से लेकर सुबह शाम इनको योगा का प्रयास करवाया जाता है। बाकायदा इनके दिमाग में कोई ऐसा अवसाद ना है, यहाँ पर अकेले पड़े पड़े ये बोर ना हो, इनके लिए इन्हें टेलीफिल्म भी दिखाई जाती है शाम को, और अन्य कई ऐसी गतिविधियों से इनका मनोरंजन करने का प्रयास किया जाता है कि अपने आप को बोर महसूस ना करें, या फिर इनके मन में ऐसी कोई बात ना कि अपने घर से बहुत कोसों दूर हैं कि, और यह भी सोचने को विवश ना हो कि आने वाला समय इनके लिए कैसा होगा, आने वाला समय बेहतर होगा। यह समाचार एक्सप्रेस की टीम भी प्रभु से यही कामना करती है। हमारे साथ कुछ योग शिक्षक मौजूद हैं जो कि इसी कैंप के अंदर ही जो प्रवासी मजदूर ठहरे हैं उनको योग सिखाने का काम करते हैं। इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? योग वॉलंटियर बलजीत सिंह, हमारे प्रशासन की तरफ से ड्यूटी लगी हुई है, डीसी साहब एसडीएम साहब की तरफ से, और यहाँ पूरे जो राधा स्वामी सत्संग भवन है मदनपुरा के सामने, यहाँ हम सुबह 1-1.5 घंटा योग कराते हैं 6 से 7.30 बजे तक। और हम यहाँ हम देखते हैं कि सारी सुविधाएं मिली होती है, उनके बाद हम नाश्ता भी कराते हैं, और हम जब जाते हैं हमें सैनिटाइज़र भी किया जाता है और मास्क भी दिए जाते हैं। यहाँ पूरी सुविधा बहुत सुविधा अच्छी है, क्योंकि आज सारा भारत ही नहीं, मैं कहूँगा विश्व पूरी मतलब महामारी से गुजर रहा है कोरोना नाम की, लेकिन जो यहाँ हमारी सरकार ने जो व्यवस्था की हुई बहुत अच्छी की हुई है। मैं उनकी भी सराहना करता हूँ सरकार की, प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन किया है ये बहुत अच्छा स्टेप है, बढ़िया, और हमें इसका अनुपालन करना चाहिए। बलजीत जी, यहाँ पर डेरा ब्यास के कितने सेवादार होंगे जिन प्रवासी मजदूरों की सेवा में जुटे हैं? यहाँ 600 के करीब हैं, लगभग 600 के करीब प्रवासी हैं, जो उनको मतलब सुबह योगा कराया जाता है, फिर नाश्ता, उसके बाद लंच, और शाम को टैली फिल्म भी दिखाई जाती है, और डिनर उनका बहुत अच्छा यहाँ मतलब अच्छी प्रबंध किया हुआ है प्रशासन। प्रवासी मजदूरों की सेवा के लिए कितने लोग तैयार हैं? यहाँ काफ़ी हैं, मतलब 400 के करीब हैं जो यहाँ इनके सेवादार हैं, मतलब सफाई भी होती है सुबह शाम, मतलब पूरा ध्यान रखा जाता है, खाने का अच्छा मतलब डाइट है उनकी, मतलब बैलेंस डाइट भी है, और सब मतलब पूरा है, वेल मतलब बहुत अच्छा है। मैंने हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, आप? सर, मेरा नाम अनुराग है, मैं योगा वॉलंटियर हूँ। हमें भी प्रशासन की तरफ से कमोपुरा में हमारी ड्यूटी लगाई गई है योगा करवाने के लिए। हम सुबह 6 से 7.30 बजे तक योगा कराते हैं। सबसे पहले तो हम वहाँ देखते हैं जो वहाँ का सर इन्वायरमेंट है ना, ग्रीनली है, सुबह के लिए तो बहुत ही अच्छा है सर। वहाँ जो घूमने फिरने की जो उनको सुबह वॉकिंग करते हैं उनके लिए, या उनको जो भी सूक्ष्म व्यायाम या आसन प्राणायाम कराते हैं जिनसे उनके शरीर का
और मन का विकास होता है, उनकी मांसपेशियों में मतलब कि फ्लेक्सिबल होते हैं, वो अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं योगा के माध्यम से। और आसन प्राणायाम में हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कराते हैं उनको, और सर भस्त्रिका कपालभाति, और उनको सर उज्जयी प्राणायाम का भी अभ्यास कराया जाता है, जिनसे उनकी जो इम्यूनिटी पावर है जो शरीर की, वो उनसे बेस्ट होती है। उसके बाद सर हम उनको थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं सुबह, ताकि उनका शरीर गर्माहट महसूस करे या उनकी मांसपेशियों में खिंचाव ना आए, ताकि वह योगा के लिए प्रॉपर तरीके से तैयार हो सके। सर आज जैसे लॉकडाउन का आखिरी दिन है, आप क्या फील करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं तो यही आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही अपील करना चाहूँगा, भाई सभी सुरक्षित रहे, सभी उचित दूरी बनाए रखे, जैसे ही सरकार का आदेश है सरकार के आदेश की पालना करे, बिना वजह से घरों से बाहर ना निकले। और उसके बाद सब तो यही सर अपील करना चाहेंगे कि सभी एक दूसरे से ऊंची दूरी बनाए रखें। सर देखिए, जैसे कि इन्होंने हमें बताया कि डेरा ब्यास में कुल 600 से 625 प्रवासी हैं, और उनकी सेवा के लिए भी कुल इतने ही सेवादार तैनात हैं जो दिन रात उनकी सेवा करते हैं। दिन में 3 समय का खाना भी उन्हें बाकायदा पौष्टिक आहार उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, साथ के साथ व्यायाम किया जाता है। इन सज्जन ने हमें व्यायाम से होने वाले प्रभावों का भी विस्तार से हमें बताया कि जिस किस व्यायाम से क्या लाभ हो सकता है। व्यायाम करने से उनके अंदर नई ऊर्जा का संचार होता है, नई शक्ति का संचार होता है, तथा दिमाग के अंदर बैठा अवसाद तथा शरीर के अंदर पनपी बीमारियां दूर हो जाती हैं, साथ ही साथ शरीर की इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है। वही इम्यून सिस्टम है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कह सकते हैं, और इस क्षमता के बढ़ने से हमारे शरीर की क्षमता बीमारियों से लड़ने से अधिक हो जाती है। मैं तरुण मदान, कैमरा पर्सन सनी चौधरी के साथ, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.